हम युद्ध के लिए प्रस्तुत हैं। युद्ध कीजिए हमसे। अभी भी तुम हमारा अपमान कर रहे हो, अर्थात तुमने अभी तक अपना पाठ नहीं सीखा। अश्वमेध यज्ञ का अश्वमेध लौटा दो अन्यथा जिस बाण ने तुम्हें केवल आहत किया है वही बाण तुम्हारे प्राण भी ले सकता है। पालको आप अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन बहुत कर चुके, अब हमारी शक्ति का सामना कीजिए। प्रतीत होता है यहां पर अष्ट सिद्धियों का किसी ने आवाहन किया है। दो प्रकाश स्तंभ, अर्थात मुझे जो आभास हो रहा था वो उचित था। अवश्य ही लव और कुश दोनों किसी संकट में हैं। ओहो, प्रतीत हो रहा है कि कोई ऐसा संकट में है जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है, किंतु वानर मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। तुम्हें यहां उलझाकर रखने में मुझे और भी आनंद आएगा। क्रोध भरी दृष्टि से मुझे देखने का कोई लाभ नहीं वानर। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ना कोई अस्त्र शास्त्र, ना कोई पशु और ना ही कोई यंत्र मेरा अंत कर सकते हैं, कोई भी नहीं। त्रिशूल राम हूं मैं। ये स्वयं अपनी मृत्यु का भेद उजागर नहीं करेगा, मुझे ही कुछ करना होगा। यही कहता है ना ये कि किसी को आहत कर सके ऐसी कोई वस्तु इसे हानि नहीं पहुंचा सकती। अर्थात जिससे किसी को हानि नहीं होती उससे इसे हानि हो सकती है। भगवान के भजन से और किसी को नहीं किंतु इसे क्षति पहुंची थी। मैं तुम्हें समस्त विद्याओं के साथ साथ समस्त कलाओं की भी शिक्षा दे रहा हूं हनुमान, जो समय समय पर तुम्हारी सहायता करेंगी। वानर किस विचार में उलझ गए? दुष्ट राक्षस, अब तुम मुझे और अधिक उलझा कर नहीं रख सकोगे। तुम्हारे वध का अस्त्र प्राप्त हो गया है मुझे। अच्छा, मैं भी तो सुनूं, क्या है ये विलक्षण अस्त्र? मेरे गुरु सूर्यदेव और माता सरस्वती से प्राप्त हुई मेरी संगीत की शिक्षा। गुंड क्रिया राग। करूंगा
दूंगा मैं वध उसका जिसने त्रिशूल रोम का वध किया। लवकुश और यज्ञ के अश्व का कोई अहित होने के पूर्व मुझे शीघ्र अति शीघ्र वहां पहुंचना चाहिए। के बाण कुश के बाणों को रोक सके उसके पूर्व ही मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। पूर्व की भांति इस बार भी बिना किसी कठिनाई के मैं इन बाणों को रोक लूंगा। इस बाण ने तो काकाशी को चकित कर आहत कर दिया उन्हें, किंतु मैं सचेत रहकर अपना बचाव करूंगा। हनुमान कहाँ है? इन बालकों को रोकने के लिए हनुमान को वहां होना चाहिए था। प्रणाम प्रभु श्री राम। प्रभु, हनुमान तो राक्षस त्रिशूल रोम को रोकने के लिए गए जो हमारे आश्रम यज्ञ आदि को नष्ट करने के पश्चात अब यहाँ आकर आपके अश्वमेध यज्ञ को भी हानि पहुंचाना चाहता था। यदि हनुमान नहीं है तो भ्राता भरत आप जाइए और समझाइए उन बालकों को कि अपने साथ राष्ट्र की भलाई के लिए मुक्त कर दें। अवश्य भ्राता। भैया, मैं भी भरत भैया के साथ जाता हूँ। यदि वो बालक इनके समझाने से नहीं समझे तो मैं उन्हें बंदी बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। किसी और अनिष्ट होने के पूर्व हनुमान को वापस लौटना चाहिए। ये कैसा अनर्थ है? किसका कृत्य है ये? अब ये कौन है जो प्रभु श्री राम की सेना की ऐसी दुर्गति कर दी? ये जो भी है इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। कौन है जो मुझे इस मायावी संसार में लाकर छलने का प्रयास कर रहा है? यहां से बाहर निकलने का मार्ग तो अवरुद्ध है। जब मुझे लवकुश और यज्ञ के अश्व की सुरक्षा के लिए वहां उनके समीप होना चाहिए था, मैं यहां कैसे फंस गया? कौन रोक रहा है मुझे? यदि तुम शक्तिशाली हो तो मेरे समक्ष आकर अपना परिचय क्यों नहीं देते? देख भी सकोगे तुम मुझे वानर? इतना साहस तुम में ज्ञात है मैं कौन हूं? Ah!
अपने काल से परिचित हो जाओ वानर। मैं गर्दभासोर बनूंगा तुम्हारी मृत्यु का कारण। मेरे भांजे त्रिशूल रोम का वध करके तुमने स्वयं अपनी मृत्यु को न्योता दिया है। प्रतिशोध लूंगा मैं इसका, प्रतिशोध। तुम राक्षस कभी कुछ सीखते क्यों नहीं? उसकी दुष्ट कुटिलता के लिए अभी तुम्हारे भांजे को दंडित किया है मैंने। उसके उदाहरण से ही कुछ सीख लो। मेरा अभी कहीं और होना अति आवश्यक है। कहीं और तो तब तुम पहुंचोगे ना, जब तुम जीवित बचोगे वानर। वार्तालाप में समय व्यर्थ नहीं कर सकता मैं। आओ वानर आओ। मैंने इस पर इतना शक्तिशाली प्रहार किया किंतु इस पर उसका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब इनके महायोद्धाओं के मूर्छित होने के बाद इनमें से कोई हम पर वार करने का साहस नहीं करेगा। रघुकुल की सेना को पराजित करने में सफल हुए हम। अपना आकार बढ़ाकर मुक्त हो जाऊंगा इस मायावी स्थान से। जय श्री राम। कुछ भी कर लो किंतु मुक्त नहीं हो सकोगे वानर। कुछ नहीं होगा बड़े होने से। गर्दभासुर की प्रतिशोध की ज्वाला से तुम बच नहीं सकते। वध करूंगा मैं तुम्हारा। वध, वध। तीव्र गति से शक्ति का संचार कर इस पर वार करूंगा। अंत करूंगा इस दुष्ट राक्षस का और मुक्त हो जाऊंगा इस मायावी स्थान के बंधन से। इस अनंत अधर में ये वानर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। ये इस बार किससे मेरा सामना हुआ है? कौन है ये जो मेरे सभी प्रहार इतनी सरलता से सह गया? कैसे पराजित करूं इसे? आप सभी सैनिक चिंता मत कीजिए, हम अस्त्रहीन पर वार नहीं करते। आप बस इतना ही कीजिए कि अपने राजा श्री राम से जाकर कहिए। बस बस, अब एक और शब्द बोलने का दुस्साहस मत करना। प्रणाम। हमने अभी दो सूर्यवंशी योद्धाओं को परास्त किया है। अब आप दोनों आए हैं तो आपसे भी युद्ध करेंगे हम, और आपको भी पराजित करेंगे। हाँ, आपको भी पराजित करेंगे हम। बालको, ना तो हम पराजित होने आए हैं ना ही पराजित करने। तुमसे युद्ध करना हमारा आशय नहीं। हम तो मात्र तुम्हें ये समझाने आए हैं जो तुम दोनों कर रहे हो वो अनुचित है, धर्म के विरुद्ध है। उचित और अनुचित का भेद ज्ञात है हमें, इसलिए हमें समझाने का प्रयास मत कीजिए। और यदि उचित और अनुचित का भेद समझाना ही चाहते हैं, तो उन्हें समझाइए जिन्होंने माता सीता का त्याग किया, और उन्हें भी समझाइए जिन्होंने वनवास के लिए उन्हें अकेले वन में लाकर छोड़ दिया। भरत भैया, इन दोनों की धृष्टता सभी सीमाओं का उल्लंघन कर चुकी है।
इन दोनों को बंदी बनाकर साथ ले जाना ही उचित होगा। जाल तो हमें वास्तव में बंदी बना लेगा। इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। से शीघ्र छुटकारा पाकर यहां से मेरा लौटना अति आवश्यक है। अपने भांजे त्रिशूल रोम के समान तुम भी वरदान से रक्षित हो। अचंभित हूं मैं तुम्हारी शक्ति देखकर वानर के द्वार। तुम मेरी शक्ति का प्रदर्शन देखोगे। मेरी तुम कुछ भी कर लो राक्षस, किंतु मुझे यहां पर तुम अधिक समय तक नहीं रोक सकोगे। मूर्ख वानर के मुख से मूर्खतापूर्ण वचन ही निकलेंगे। तुम चाहो वो मेरा स्थान है। जब तक मैं रहूंगा यहाँ तुम भी रहोगे। इसीलिए मुझे और मेरे इस स्थान को मिटाना असंभव है। यहाँ मुझ पर किया गया वार मैं अन्य किसी पर भी केंद्रित कर सकता हूँ। इसलिए अब तुम जो भी वार मुझ पर करोगे वो उन धर्मपालक देवताओं के स्वर्गलोक पर होगा। नष्ट होगा स्वर्गलोक। छल तो राक्षसों का स्वभाव है। तुम्हारे इस छल को सत्य मानकर मैं रुकने वाला नहीं। लो सहो मेरा प्रहार। ये कैसा कंपन है? असंभव है ये। अवश्य ये भी इस दुष्ट का ही कोई छल है, किंतु मैं नहीं रुकूंगा। ये है रामायण रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम। अस्त्र छोड़ दो और अपनी पराजय स्वीकार कर लो। इस बंधन से तुम मुक्त नहीं हो सकते। इतनी शीघ्र पराजय स्वीकार करने वालों में से नहीं है हम। कुश, यदि हम इस पिंजरे को तोड़ नहीं सकते तो इसे दूसरे स्थान पर तो लेके जा सकते हैं। तुम्हारा गदास्त्र भी मेरे जाल को नहीं तोड़ सकेगा। गए वानर, वार करो मुझ पर।
वार। प्रभु की कृपा से जैसे ही मुझे तुम्हारे वध का उपाय ज्ञात होगा उसी क्षण बिना रुके तुम्हारा वध करूंगा मैं। तब तक तुम मेरे द्वारा संहार करने से नहीं बचोगे। वानर, तुम्हारा अंत करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हनुमान स्वर्गों की रक्षा के लिए इस पर वार नहीं कर रहे। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा, अन्यथा हनुमान उस दुष्ट राक्षस के साथ युद्ध करने में ही उलझ जाएंगे और लवकुश को और अनंत कर बैठेंगे। देखा आपने, हम मुक्त हो गए। अब लीजिए, हमारे बाणों का सामना कीजिए। ये बालक बिना किसी लक्ष्य के बाण क्यों चला रहे हैं? भरत भैया को मूर्छित कर दिया उन्होंने। इन दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। ये क्या? अब ये तो एक और चुनौती उत्पन्न हो गई। हाँ, इन्होंने तो बाणों की जैसे वर्षा कर दी है। अब इन बाणों का सामना कैसे करें? स्वर्ग लोक को हानि पहुंचाए बिना इस राक्षस पर वार कैसे करूं? कैसे अंत करूं इसका? बड़े अचरज की बात है, मेरे इतने प्रहारों के बाद भी इस वानर को कुछ नहीं हुआ। कहीं मेरे समान इसे भी तो कोई वरदान प्राप्त नहीं। प्रणाम प्रभु। प्रभु, आपके वरदान के कारण हनुमान उस दुष्ट गर्दभासुर को परास्त नहीं कर पा रहे। वो उसके सारे वार अपने ऊपर ले रहे हैं। उनकी सहायता कीजिए प्रभु। और प्रभु, यदि लव और कुश को कोई रोक सकता है तो वे हनुमान ही हैं। इसलिए प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के लिए हनुमान का उस दुष्ट राक्षस की माया से शीघ्र अतिशीघ्र मुक्त होना अति आवश्यक है। गर्दभासुर ने कठोर तप कर मुझसे वरदान प्राप्त किया था कि त्रिदेवों में से कोई दो त्रिदेवों की संयुक्त शक्ति ही उसका वध कर सकती है। हनुमान के रूप में मेरा अंश वहां उपस्थित है। आप शीघ्र जाकर विष्णु देव से सहायता की गुहार कीजिए। प्रणाम प्रभु। मेरे प्रहार सहते सहते कहीं क्लांत तो नहीं हो गए वानर? राम कार्य और धर्म कार्य में हनुमान कभी क्लांत नहीं होता राक्षस। किंतु प्रभु कृपा से शीघ्र ही तुम्हारी श्वास अवश्य क्लांत होगी, तुम्हारा हृदय धड़कना भूल जाएगा, क्योंकि मुझे आभास हो गया है तुम्हारा अंत अब समीप है। नहीं वानर, नहीं, मेरा नहीं, तुम्हारा अंत समीप है। तुम अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ वानर। जो धर्म को हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा
उसका अंत तो अवश्य होगा। मैं उस राक्षस गर्दवासुर का अंत करने के लिए रुद्रांश हनुमान का साथ दूंगा। प्रतीत होता है कोई दिव्य शक्ति लोमड़ी रूप में मेरी सहायता के लिए आई है। अवश्य कोई राक्षस है जो मेरी सहायता के लिए यहाँ आया है। देखो वानर, एक और राक्षस मेरी सहायता के लिए यहाँ आया है। अब तुम्हारी मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता वानर। हम मिलकर तुम्हें ऐसी मृत्यु देंगे जो देवता भी कांप उठेंगे तुम्हें देखकर। विश्वास नहीं होता कि ये कोई अन्य राक्षस है जो इसकी सहायता के लिए यहां आया है। मुझे तो ये प्रभु विष्णु के अवतारों के समान कोई भव्य दिव्य शक्ति प्रतीत हो रही है। क्या रहे हो लोमड़ी रूपी राक्षस, इस वानर का अंत कर दो। इस पर आक्रमण कर इसका अंत करो, फिर हम उन सभी का अंत करेंगे जिनकी धर्म के प्रति अंधश्रद्धा है। ने तो हम दोनों को साथ देखकर अपने हाथ जोड़ लिए। लोमड़ी राक्षस, कदाचित ये इसका मिथ्या प्रपंच है। ये जितना सरल और निश्चल दिखता है नहीं वो, और वैसे भी हम राक्षसों को तो निश्चल और निरीह प्राणियों का संहार करने में बड़ा आनंद आता है। तो आओ दोनों मिलकर इस पर आक्रमण करते हैं। आओ। ये मूर्ख लोमड़ी मेरी ओर क्यों बढ़ रही है? उस दंड वानर पर आक्रमण करो। अर्थात मुझे उचित आभास हुआ था, ये दिव्य लोमड़ी का आगमन मेरी सहायता के लिए ही हुआ था। अब तक तो बालक समझकर तुम पर अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा था, किंतु अब लो और इसका सामना करो। प्रतीत होता है इन धनुर्धारी रघुवंशी योद्धा को हमारी धनुर्विद्या दिखाने का समय आ गया है। Thank you.
अभी भी समय है, अयोध्या लौट जाइए, अन्यथा आपके साथ भी वही होगा जो अन्य रघुवंशी के साथ हुआ। पराजित होंगे आप भी। तुम दोनों को बंदी बनाए बिना कदापि नहीं जाऊंगा मैं। दिव्य फांस प्रकट हो। राक्षस नहीं, तब तो अवश्य देवताओं ने भेजा है तुम्हें, किंतु मूर्ख देवताओं को ये ज्ञात नहीं कि स्वयं भगवान शिव का वरदान प्राप्त है मुझे। तुम जैसे तुच्छ पशु मेरा कोई अहित नहीं कर सकते। त्रिदेवों में से कोई एकाकी आकर मेरा वध नहीं कर सकता। भूलने से नहीं, त्रिदेवों में से कम दो देवताओं को एक साथ उपस्थित होकर एक ही समय पर आक्रमण करने से मेरा वध संभव है। ये तो विष्णु देव है। प्रभु, अब इस राक्षस के अंत का समय आ गया है। ये तो शिव और विष्णु एक साथ दिखाई दे रहे हैं मुझे। कहीं मैं भ्रमित तो नहीं हो रहा? जो भी है, मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। कहाँ जा रहे हो राक्षस? अब मेरा वार सहने के लिए नहीं रुकोगे? सखा, हे प्रभु, मेरी सहायता के लिए आने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। मैं समझ गया हूँ प्रभु, आप स्वयं विष्णु देव की ही शक्ति का स्वरूप हैं। इसलिए प्रभु, मुझे मेरे इष्ट, मेरे प्रभु, प्रभु श्री राम के रूप में ही दर्शन देने की कृपा करें। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला, राम भगत की जय। जय जय रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। विनती विष्णु सो कपिराई, राम रूप महादर्शन पाई। बंधक अश्व सुधी तब आए, चले कपीश रण भूमि सहाय। गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला, राम भगत की जय। जय जय रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कदाचित हमारे द्वारा भी दिव्य फांस के प्रयोग का समय आ गया है। हाँ, और कपिश्रेष्ठ द्वारा दी गई अष्ट सिद्धियों का प्रयोग करने का भी उपयुक्त समय आ गया है।
मुझे तो शीघ्र ही अश्व की रक्षा के लिए जाना है और ये भी ज्ञात करने जाना है कि लवकुश ने अष्ट सिद्धि की शक्तियों का आवाहन क्यों किया, वो किसके विरुद्ध उसका उपयोग कर रहे हैं। तो अब तुम मेरे दिव्य फांस में बंधी गए बालक। सूर्यवंशी योद्धाओं को पराजित कर चुके हैं ये दो, अब तो कदाचित मुझे स्वयं जाना होगा। पुष्कर भैया, भरत सब मूर्छित कैसे हो गए और ये लवकुश वहां क्या कर रहे हैं? भैया लक्ष्मण बंधे हुए हैं और वो भी मूर्छित हैं। ये कैसा अनर्थ है? अवश्य ये कार्य लवकुश का ही है, इसलिए इन्होंने अष्ट सिद्धियों का आवाहन किया था। लव, हम ये अश्व माता को भेंट देंगे, वो हमारे पराक्रम से अवश्य प्रसन्न होंगी। नहीं, वो कदापि प्रसन्न नहीं होंगी। प्रणाम कपि श्रेष्ठ, बहुत अच्छा है कि आप स्वयं आकर हमारे पराक्रम और आपके द्वारा दी गई अष्ट सिद्धियों के प्रयोग का परिणाम देख रहे हैं। आपकी शक्तियों से हमने इन्हें परास्त किया है और माता के लिए ये अश्व और इन्हें ले जा रहे हैं। आप भी चलिए ना, माता आपको देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगी। ये तुम दोनों क्या कर बैठे? तुम्हें ज्ञात भी है जिन्हें बंदी बनाया है तुमने, जिन्हें तुमने मूर्छित किया है, वो कौन है? ये प्रभु श्री राम की सेना है और ये उनके भ्राता हैं। प्रभु, क्या आप भी श्री राम को प्रभु मानते हैं? प्रभु को प्रभु ना मानूं तो फिर मैं क्या मानूं? मैं तो क्या, ये समस्त संसार उन्हें प्रभु मानता है। समस्त देवता, यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव के भी वो आराध्य हैं। प्रभु के तो अनेक सेवक हैं, उनमें से एक मैं भी हूं और प्रभु का सेवक होने के नाते मैं उनकी सेना और उनके भ्राताओं को इस अवस्था में नहीं देख सकता। इन्हें और अन्य सेवकों को मुक्त करने दो मुझे। श्री राम के पक्ष में हैं, किंतु हम उनके पक्ष में नहीं। यदि आप भी इन रघुकुल के योद्धा की ओर तनिक भी आगे बढ़े तो आपको भी हमसे युद्ध करना होगा। ये कैसे हो सकता है? मैं प्रभु श्री राम और माता सीता के पुत्रों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? कपिश्रेष्ठ, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए उचित यही होगा कि आप हमारे ओर श्री राम की सेना के मध्य ना ही आए, अन्यथा हमें विवश होकर आपसे युद्ध करना पड़ेगा। प्रभु के पुत्र
प्रभु के ही विरुद्ध? कैसे रोकूं, कैसे समझाऊं इन्हें कि तुम जिन प्रभु श्री राम के विरुद्ध युद्ध कर रहे हो वो तुम्हारे पिता हैं और मैं उनका सेवक हनुमान हूँ। क्या सोच रहे हैं कपि श्रेष्ठ? युद्ध करना है तो युद्ध कीजिए, अन्यथा हमें अश्व लेकर जाने दीजिए। बालकों, जिन श्री राम के विरुद्ध तुम युद्ध कर रहे हो वो भगवान विष्णु देव जी के अवतार हैं। उनकी रामायण को तुमने कंठस्थ किया है, यत्र तत्र उनका गुणगान किया है और अब उन्हीं के विरुद्ध ये सब, ये कदापि उचित नहीं है। आपके मत से हम सहमत नहीं हैं। आपकी अपने प्रभु के प्रति अंध भक्ति है ये, जो आप उनका पक्ष ले रहे हैं और इसलिए माता सीता के प्रति किए गए श्री राम के अन्याय को नहीं देख पा रहे हैं आप। तुम दोनों अबोध हो लवकुश, उस राज धर्म को नहीं समझ पाओगे जिसके कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा। उनके प्रति वैर भाव का त्याग करके अश्व को सम्मान सहित लौटा दो। सलाह देने के लिए धन्यवाद कपि श्रेष्ठ, किंतु इससे आप हमारे विचार परिवर्तित नहीं कर सकते। और कोई कार्य आरंभ किया जाए तो उसे पूर्ण करना आवश्यक है, अतः अश्व को पकड़ा है तो उसे हम आश्रम लेकर ही जाएंगे। पग पीछे खींचने वाले भीरू होते हैं और हम भीरू कदापि नहीं हैं। पग पीछे नहीं खींचेंगे, युद्ध करेंगे। सूर्यवंशी योद्धाओं के भांति आचरण है इन बालकों का। जिन्हें अश्व लेना है वो हमसे युद्ध करें, हमें परास्त करें और ले जाएं अश्व को। कपि श्रेष्ठ, जिन श्री राम की शक्ति पर आपको अपार विश्वास है उसी शक्ति और विश्वास से हमारा सामना कीजिए। बालक हैं आप दोनों, आप दोनों को हानि नहीं पहुंचाना चाहता मैं। बालक मत समझिए हमें, अपनी माता के आशीर्वाद से वीर हैं हम, पूर्ण योद्धा हैं हम, जिनका प्रमाण है इन सब की ये दशा। इसलिए आगे बढ़िए और अश्व पर जो संदेश लिखा है वो कीजिए। ये संदेश पढ़कर ही हमने इस अश्व को बांधा है। शपथ है हमारी पुण्यवती माता की, युद्ध में परास्त हुए बिना हम अश्व नहीं छोड़ेंगे। योद्धा है हम, योद्धा की भांति सम्मान एवं व्यवहार की अपेक्षा है हमें। युद्ध कीजिए हमसे। युद्ध किए बिना ये नहीं मानेंगे। वेदों में कहा गया है कि समय बड़ा बलवान है, कुछ भी करने को बाध्य कर सकता है। वास्तव में समय ने ही ये परिस्थितियां उत्पन्न की हैं। और अब यदि युद्ध अनिवार्य है तो युद्ध होगा। समय ये विद्युत क्यों गरज रही है? कहीं कोई अनिष्ट का संकेत तो नहीं है? आशाएं लवकुश तक कुशल होंगे, उनके साथ कोई अनिष्ट ना घटित। पुत्र हनुमान ने मेरे पुत्र को सुरक्षित का वचन दिया। हनुमान, पुत्र मेरे लवकुश की रक्षा कर। मैंने माता को इनकी सुरक्षा का वचन दिया है, अतः इन पर वार नहीं करूंगा, मात्र बचाव करूंगा। जब ये वार करते करते क्लांत होकर अचेतावस्था में पहुंच जाएंगे तब मैं अश्व को मुक्त करा लूंगा। युद्ध चाहते हो तुम दोनों, तो फिर उचित है दिखाओ अपना पराक्रम। अवश्य कभी श्रेष्ठ, आप भी देख लीजिए हमारा पराक्रम। Thank you.
अच्छा, मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। तुमने देखा, ये कपिश्रेष्ठ हमसे युद्ध नहीं क्रीड़ा कर रहे हैं। किंतु इन पर चलाए हुए हमारे अस्त्र विफल कैसे हो रहे हैं कुश? और तीव्र प्रहार करो। लव, आग्नेयास्त्र का प्रयोग करो। ये अग्नि कहीं अन्य सैनिकों को आहत न कर दे। सखा, तुम सत्य कह रहे थे कुश, ये कपिश्रेष्ठ मात्र रक्षात्मक युद्ध कर रहे हैं, आक्रामक नहीं। कुश, प्रतीत होता है कपिश्रेष्ठ ना तो युद्ध करना चाहते हैं, ना ही अश्व की मुक्ति। हाँ, इस प्रकार समय व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं। एक कार्य करो, तुम अश्व को लेकर जाओ। कपिश्रेष्ठ के साथ ये युद्ध की क्रीड़ा मैं कर लूंगा, तुम लौट कर आओ, फिर हम इस अश्व के साथ क्रीड़ा करेंगे। ये सुंदर अवश्य है किंतु कोई विशेष अश्व नहीं है, इसलिए कपिश्रेष्ठ इसे मुक्त कराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हाँ लव, ले जाओ अपने साथ इस साधारण अश्व को। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जब आप युद्ध का दिखावा करके हमारे शौर्य का उपहास कर सकते हैं, तो हम भी जो चाहे वो कर सकते हैं इस अश्व के साथ। हाँ, इस अश्व पर हम आरूढ़ हो जाएंगे, चाहे तो इसे गधर की भांति छकड़े में जोतकर इससे भार ढोने का कार्य ले सकते हैं। बस, तुम भूल रहे हो कि ये प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व है, तुम इसका अपमान नहीं कर सकते। अपमान तो आप कर रहे हैं हमारे युद्ध कौशल का, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं हमारी कौशलता पर, अपनी निष्ठा पर, अपने प्रभु की उस भक्ति पर जिसका आप बार बार बखान करते हैं। अपमान कर रहे हैं आप अपने प्रभु का, जिनके सौंपे हुए कार्य को आप गंभीरता से नहीं निभा रहे हैं। जय श्री राम। लव कुश आक्षेपा कपिराई, रौद्र रूप पवन सुत आई। तू किशोर अवाक अचंभित, किस विध क्रोध टरे सब चिंतित। राधा महाबली हनुमत की, कुछ कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। रुद्र हो उठे हैं हनुमान, रुद्र रूप धारण कर रहे हैं ये। हनुमान ने यदि रुद्र रूप धारण कर लिया तो कहीं लव कुश को ही आहत ना कर दे। आशा है हनुमान की इस चेतावनी से बालक हनुमान की शक्ति को जान गए होंगे और युद्ध से पीछे हट जाएंगे। हे महान योद्धा, अब हमें भी युद्ध का आनंद आएगा।
आप जैसे योद्धा से युद्ध करने का सौभाग्य मिलेगा अब हमें। अब होगा एक अविस्मरणीय युद्ध। आपको परास्त करके हम ये सिद्ध कर देंगे कि सत्य में ही श्री राम अपनी विजय श्री खो चुके हैं। ये क्या हो रहा है? माता ललिता देवी, यदि मैं अपने तन मन एवं आत्मा से पतिव्रत रही हूं तो मेरे पुत्र पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। मां, आपको आज नारी के पतिव्रत धर्म की शक्ति को प्रमाणित करना होगा। मां, की गर्जना से भयभीत नहीं होने वाले हम। अब देखिए हमारा शर संचालन। अब समकक्ष है हम, संभालिए मेरा वार। श्रेष्ठ, आपको परास्त करके हम ये सिद्ध कर देंगे कि सत्य में ही श्री राम अपनी विजय श्री खो चुके हैं। हनुमान का ये रौद्र रूप बालकों के लिए अनिष्टकारी न बन जाए। लवकुश हनुमान के रौद्र रूप को नहीं सह पाएंगे। अंततः हनुमान भी तो रुद्र अवतार ही है। यदि हनुमान से कोई अनिष्ट हो गया तो वे स्वयं को भी क्षमा नहीं कर पाएंगे। प्रभु, माता सीता ने अपने पुत्रों के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है। अब इस माता को भी अपना कर्तव्य निभाना होगा एवं हनुमान को अनिष्ट का भागी बनने से रोकना होगा। बालकों, उद्दंडता की सभी सीमाएं लांघ दी है तुम दोनों ने। अब तुम्हें सीख देनी ही होगी। नहीं हनुमान, ये तो माता पार्वती का स्वर है। प्रणाम माता। पुत्र हनुमान, आवेश में आकर ये मत विस्मरण करना कि लव को श्री राम और देवी सीता की संतान है। देवी सीता के साथ जो हुआ उस कारण वो श्री राम से रुष्ट, किंतु शीघ्र ही उन्हें श्री राम की मर्यादा, प्रभुता एवं महानता का बोध हो जाएगा। जब श्री राम स्वयं यहाँ आएंगे तब तुम्हें देवी सीता को यहाँ लाकर सबका मिलन कराना होगा। ये सब उसी मिलन के लिए हो रहा है हनुमान। माता, मैं स्मरण रखूंगा। ये कपिश्रेष्ठ किन्हें प्रणाम कर रहे हैं? अंततः प्रभु श्री राम के परिवार के पुनर्मिलन की वो घड़ी आने वाली है जिसकी मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। इस मिलन के लिए तो मुझे प्रभु श्री राम के पुत्रों से पराजय भी स्वीकार है।
लव शीघ्र ही धूम्रास्त्र के चेतना शून्य करने वाले धूम्र के प्रभाव से कपि श्रेष्ठ अचेत हो जाएंगे। किंतु कुश, ये कपि श्रेष्ठ तो स्वयं ही उस धूम्र का पान कर रहे हैं। अद्भुत शक्ति है इनके पास। किंतु कोई बात नहीं लव, पुनः लक्ष्य साधो। शिलाओं को कपिश्रेष्ठ हमारे विरुद्ध प्रयोग करें, उसके पूर्व ही हम क्यों ना इन शिलाओं को उनके विरुद्ध प्रयोग करें। हाँ लव, और बाण चलाओ लव। लव, तुम कपिश्रेष्ठ को शिलाओं के प्रहार में उलझाए रखो, इसी मध्य में दिव्य फांस चला दूंगा। हाँ कुश, ये अच्छी युक्ति है। प्रतीत होता है मेरी युक्ति काम कर जाएगी। जब तक कपिश्रेष्ठ का ध्यान फांस अस्त्र की ओर जाएगा, तब तक वो दिव्य फांस में बन चुके होंगे। अश्वमेध यज्ञ के अश्व की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अब मुझे ही उन बालकों का सामना करना पड़ेगा। ये है रामायण रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की।